हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिस्कस करूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स की हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए। तो दिस इज द लेक्चर्स विच इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल, और जो कंपटीशन की दुनिया में हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, और जो ग्रेजुएशन और इवन दो जो अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इंटरव्यू के स्पेशल प्रोस्पेक्ट्स में ये वीडियो मैंने तैयार किया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विद करंट कंडक्शन थ्रू वैक्यूम गैस और सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति करती है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किस किस तरीका से होता है इन द केस ऑफ वैक्यूम गैस और सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हम देखते हैं कि किन किन फैक्टरों से कंट्रोल करते हैं, और बाद में जाके पता चलता है कि जो सब्सटेंस हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं हमारे इंसुलेटर्स, एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होती हैं उनके ऊपर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म है आज की वो डोमिनेट करती है, और सेमीकंडक्टर्स का उसमें हम देखते हैं कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जब हम उसमें इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं इंट्रिंसिक में, तो ट्राइवेलेंट अगर ऐड करते हैं तो बनता है हमारा पी टाइप, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप इंट्रिंसिक के अंदर। फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज को आगे एक्सपेक्ट करते जाते हैं और देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मैकेनिज्म है उसके चलते जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका फॉर्मेशन हम फिर समझाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड जो है उसकी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेक्टिफिकेशन। तो सबसे जो यूजफुल और सबसे पहला जो एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा यूजफुल आया वो रेक्टिफिकेशन था, और रेक्टिफिकेशन मैकेनिज्म क्या है, कन्वर्टर ऑफ एसी इनटू डीसी। जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चंस के रेक्टिफिकेशन क्या होता है, डायोड क्या काम करता है, बेसिक जो फंक्शन है डायोड का वो क्या है। तो डायोड का जो मेन फंक्शनिंग होती है वो रेक्टिफिकेशन होता है, उसके अंदर जो एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट उसको डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि एसी को वो डीसी में कैसे बदलता है, लेकिन एक छोटा सा रफ आइडिया दूंगा कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें करंट कंडक्शन इजी होता है, और रिवर्स बायसिंग में जो करंट कंडक्शन मुश्किल से होता है। तो क्या होता है, एक तरफ को कंडक्शन इजी होने के कारण एक तरफ करंट इजीली फ्लो कर जाती है और आउटपुट मिलता है हमें, और दूसरी जो साइकिल है जो नेगेटिव हाफ साइकिल होती है उसके अंदर रिवर्स बायस मैकेनिज्म होता है जिसमें करंट कंडक्शन मुश्किल से होता है, तो वो साइकिल डिसअपीयर होने लगती है। तो इसके ऊपर एक ही तरफ को जब करंट जाने लगती है तो उस करंट के अंदर हम देखते हैं कि रिपल्स होते हैं, जो आउटपुट हमें ऑब्टेन होता है उसमें पल्सेटिंग एसी भी होता है, तो उस पल्सेटिंग एसी को हम रिमूव कर देते हैं, और पल्सेटिंग एसी को जब रिमूव करते हैं तो फिल्टर सर्किट से उसे रिमूव कर लेते हैं और हमें एसी जो करंट है वो डीसी में चेंज हो जाती है। तो ये हमारा एसी है, इसमें दिखा रखा है दिस इज द एसी, एंड डायोड एज ए रेक्टिफायर जब काम करता है तो हम देख रहे हैं कि जो साइकिल है वो केवल पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल आ रही है। दो डायोड हम ले लेते हैं, एक साइकिल के अंदर एक डायोड कंडक्ट करता है, दूसरा एक्ट नहीं करता, और दूसरी साइकिल के अंदर जो नेगेटिव साइकिल होती है उसमें डायोड D2 कंडक्ट करता है और D1 कंडक्ट नहीं करता। तो पहले में डायोड D1 के कारण करंट आउटपुट पर मिलती है, दूसरे में D2 के कारण, फिर D1, फिर D2, इस तरीका से मिलती है। अब हम देख रहे हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो केवल एक ही तरफ हो गई है, नेगेटिव साइकिल इसमें डिसअपीयर हो गई है। अब इसके अंदर हमें डीसी के लिए इस तरीका की करंट चाहिए, इसका मतलब है कि इस करंट के अंदर टू टाइप्स की करंट हैं, एक हमारी जो करंट है वो डीसी है और एक एसी है। डीसी इसलिए है क्योंकि एक ही तरफ करंट का मूवमेंट है, और एसी इसलिए है क्योंकि एसी साइकिल फॉर्म में आ रहा है। तो फिर हम एसी साइकिल को जब रिमूव करते हैं तो एसी साइकिल को जो डीसी के अंदर सुपरइम्पोज रहती है उसको फिल्टर सर्किट से हम रिमूव कर लेते हैं और हमें डीसी मिल जाती है। तो याद रखें इस चीज़ को, काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है, रेक्टिफिकेशन क्या है, डीसी जो मिलती है हमें एसी से कन्वर्जन। इसका जो यूज है वो चार्जिंग स्टोरेज बैटरी, रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं स्टोरेज बैटरियों के चार्ज करने के लिए। फिक्स सप्लाई ऑफ डीसी जनरेटर्स होते हैं और उसके लिए हमें यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रो प्लांटिंग में यूज करते हैं। तो ये इसके जो मेन यूजेज हैं वो भी हमें रिमेंबर होने चाहिए। तो काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है रेक्टिफिकेशन। तो बहुत ही जो इंटरव्यू चलता है उसमें जनरली पूछा जाता है कि रेक्टिफिकेशन क्या है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। और जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, या 12th 11th या ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पर पढ़ते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि डायोड का जो मेन फंक्शन है वो रेक्टिफिकेशन है, एसी का डीसी में कन्वर्जन करना। फिर मैं सेकेंड पे इंपॉर्टेंस में डिस्कस कर रहा हूँ एम्पलीफिकेशन।
तो इम्प्लीकेशंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल इन टू द स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो वीक सिग्नल को हम कैसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करें, कोई सिग्नल है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है और हम चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए, तो ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं, हमारे पास ट्रांजिस्टर मैकेनिज्म होती है और ट्रांजिस्टर इस काम को करता है, जो क्या करता है कि ट्रांजिस्टर जो वीक सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देता है। तो उसके लिए हम जो मैकेनिज्म है उसमें हम जानते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन हम यूज करते हैं, तो इनपुट जो होता है उसे फॉरवर्ड बायस पर रखते हैं और आउटपुट को रिवर्स बायस पर रखते हैं। तो जो हमारा सिग्नल है वो लो रेजिस्टेंस पार्ट से हाई रेजिस्टेंस की तरफ को ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो वीक सिग्नल की स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्जन हो जाता है। तो इसको याद रखें कि एम्प्लीफिकेशन क्या है, इसमें दिखा रखा है कि ये हमारा एसी सिग्नल है जो एक वीक सिग्नल है जिसमें एम्पलीट्यूड जो आ रहा है इनपुट का वो थोड़ा कम है, ये एम्पलीट्यूड है इधर। ट्रांजिस्टर जब इस पर एक्ट करेगा तो ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर की तरह काम करता है तो इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। एम्पलीफिकेशंस में भी ये ध्यान रखें कि एम्पलीफिकेशंस की टू वेराइटीज होती हैं, एक होता है फेथफुल एम्पलीफिकेशंस, एक अनफेथफुल एम्पलीफिकेशंस होता है। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशंस के अंदर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो जब बढ़ती है तो उसकी शेप भी सेम रहती है, इनपुट की और आउटपुट की शेप सेम होती है और एम्पलीफाई हमें आउटपुट मिलता है। अगर अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन है तो उसमें यह होता है कि जो साइकिल हमें इनपुट पर मिलती है उसमें कुछ पोर्शन उसका ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, कुछ कम एम्पलीफाई होता है या कुछ साइकिल जैसे अपीयर कट जाती है, ऐसा एम्पलीफिकेशन हमारा अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन कहलाता है। और हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आगे मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा कि फेथफुल अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन कैसे कैसे होते हैं। एम्पलीफिकेशन जो यूज होता है रेडियो सेट में, जब हमारी रेडियो सेट जो काम करता है वो एम्पलीफिकेशन पर होता है, जो सिग्नल जनरेट होता है उसके कारण जो जनरेशंस होता है वो वीक सिग्नल का होता है और रेडियो सेट उसे एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना के यूज करता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के अंदर जब स्पीकर्स लगे होते हैं तो स्पीकर्स में एम्पलीफायर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेज होती हैं, पहले जो सिग्नल वीक सिग्नल आता है उसका वोल्टेज एम्पलीफायर लगे होते हैं, तो धीरे धीरे जो है जो सिग्नल मिला है वो लो वोल्टेज का उसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं और लास्ट में पावर एम्पलीफायर लगा देते हैं जो क्या करता है कि मैक्सिमम पावर दे देता है लोड के अक्रॉस, जिससे जो वॉइस है वो एम्पलीफाई होकर मिलती है और जो सुनने वाले हैं ऑडियंस उनको ज़्यादा साउंड मिलती है। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम में यूज होता है और टेलीविज़न में यूज होता है उसी तरीका से जिस तरीका से रेडियो सेट में यूज होता है। तो ये हमारे इसके एम्पलीफिकेशन के यूज मैं डिस्कस कर रहा था। थर्ड में मैंने डिस्कस किया है कंट्रोल, कि इससे हम वेरियस कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एप्लीकेशन से, उनमें स्पीड ऑफ है मोटर, जो मोटर की स्पीड है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, एंड वोल्टेज अक्रॉस ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अक्रॉस हम वोल्टेज को घटाना बढ़ाना चाहते हैं या एसी पे जब हम वोल्टेज को चेंज करना चाहते हैं एसी में, अगर एसी पे जब हमने अप्लाई कर रखा है वोल्टेज अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको जो हम मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं वोल्टेज को, या अगर हमारे ज़्यादा हाई वोल्टेज आते हैं उन्हें लो कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म में हम उन्हें यूज करते हैं। और उसके अलावा जनरेशंस है, जनरेशंस कर सकते हैं हम सिग्नल का, अगर हमारे पास किसी समय पे लाइट चली जाती है और हमें एसी सिग्नल चाहिए तो हमारे पास इन्वर्टर्स होते हैं और इन्वर्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली ऑसिलेटर्स होते हैं, उनके अंदर बैटरी होती है और बैटरी के साथ साथ जो बैटरी है वो एक टैंक सर्किट होता है एलसी टैंक सर्किट, तो वहाँ से जो बैटरी है वो कैपेसिटर को चार्ज करती है और एलसी से हमारा एक सिग्नल जनरेट होता है और उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेते हैं तो हमें फिर डीसी जो है कन्वर्ट होकर एसी में मिल जाती है। तो जो हमारे पास मैकेनिज्म है ऑसिलेटर की, वो जो यहाँ पे हम डीसी सिग्नल देख रहे हैं इनपुट लगा हुआ है, जब ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर काम करता है तो हमें आउटपुट मिलता है और इसके अंदर जो डीसी है वो एसी में कन्वर्ट हो जाती है। एसी में हम देख रहे हैं कि जो सिग्नल है वो इस तरीका से हमें मिलता है, दोनों तरफ को साइकिल जाती है, तो जो हमारा इनपुट डीसी सिग्नल है वो आउटपुट एसी सिग्नल में जब कन्वर्ट होता है तो जब ट्रांजिस्टर करता है उसे, और जब वो ट्रांजिस्टर ऐसा करता है तो ऑसिलेटर्स कहलाता है। ऑसिलेटर्स की मैं डिफरेंट वैरायटी आगे डिस्कस करूँगा, कॉलपिट और ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर्स और फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स, वीन ब्रिज ऑसिलेटर्स, तो दे आर लॉट ऑफ ऑसिलेटर्स हमारे काम करते हैं, तो उन्हें मैं आगे डिस्कस करूँगा, ट्यून्ड ऑसिलेटर्स, तो आगे मैं वीडियो में सब डिस्कस करूँगा इन कंसेप्टों को। कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की, इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि मेटेलिक टारगेट के ऊपर जब विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इम्पोज किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं
और जब हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे करंट फ्लो करती है। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास थी वो हमारे पास लाइट थी, और लाइट से हमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट मिल गया जिससे करंट हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी होता है। फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस मैकेनिज्म पे ये काम करती हैं। इस प्रिंसिपल के ऊपर जो बर्गलर अलार्म होती है, उसके अलावा साउंड रिकॉर्डिंग होती है मोशन पिक्चर्स की, वो सब इसी प्रिंसिपल पर बेस हैं जिन्हें हम लगातार यूज करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के लिए यूजफुल है। उसके अलावा कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का लाइट में कन्वर्जन होता है। और जो ये कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट है, ये जो प्रिंसिपल पे बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट प्रिपेयर होते हैं। साथ साथ मैंने यहाँ डिस्कस किया है जेनर डायोड यूज्ड इन रिवर्स रीजंस। जो जेनर डायोड है एक स्पेशल मैकेनिज्म डिवाइस होती है जिसके अंदर हम डोपिंग बढ़ा लेते हैं, और डोपिंग के कारण जो होता है वो जो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जो किसी पर्टिकुलर केस के अंदर जब हम देखते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब रहते हैं वो, और उनके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को कैप्चरिंग शुरू हो जाती है। तो कैप्चरिंग होने लगती है और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल कर लिया जाता है इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो उसके ऊपर प्रिंसिपल पे काम करता है जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, और वोल्टेज रेगुलेटर में काम होता है। तो जेनर डायोड हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है। लाइट इमिटिंग डायोड हुए, आजकल हम लाइट इमिटिंग डायोड को यूज कर रहे हैं लगातार, और हमारे जो टीवी सेट हैं इनमें एलईडी यूज हो रहा है। पहले एलसीडी यूज होते थे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आजकल एलईडी यूज हो रहे हैं लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है उसी से आता है। और एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, और एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जब इसका बैंड गैप होता है, जब लैम्डा बराबर एस सी अपॉन ई जी लेते हैं और एनर्जी गैप का ऑर्डर एक पर्टिकुलर रीजन में होता है तो हमारे पास विजिबल लाइट मिलती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन से जो विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है उसके कंसेप्ट पर बेस होता है, और एनर्जी गैप तय करता है कि जो वेवलेंथ एमिट होगी एलईडी में वो किस कलर की होगी। तो इस एलईडी हम लगातार यूज कर रहे हैं। फोटो डायोड्स हैं, आजकल हम फोटो डायोड्स को भी यूज कर रहे हैं। जो लाइट जब फॉल्स करती है तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है और वो होती है, और उसके चलते माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं, और जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है तो माइनॉरिटी करंट बढ़ती है। उसके प्रिंसिपल पर काम करता है फोटो डायोड, रिवर्स बायस में यूज करता है, तो लाइट की जो इंटेंसिटी का कंपेरिजन करने में काम आता है। तो फोटो डायोड्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जिसे हम लगातार यूज कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें लगातार यूज कर रहे हैं कि जब हमारा कोई वीक सिग्नल जो जनरेट हो जाता है उसे अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना है तो उसको पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा सिग्नल है उसे कैरियर वेव के ऊपर सुपरइम्पोज कर देते हैं, और कैरियर वेव्स उसको सिग्नल को पहले हम मॉड्यूलेशन के थ्रू जो हमारा सिग्नल है और जो सिग्नल जनरेट हुआ है और एक हमारा कैरियर वेव होगी तो कैरियर वेव के ऊपर सुपरइम्पोज कर देते हैं। कैरियर वेव जो सुपरइम्पोज करने के बाद में उस सिग्नल को कैरी ऑन करती है, और फिर डीमॉड्यूलेशन के थ्रू कैरियर वेव को अलग और जो सिग्नल था जो हमें भेजना था उसको अलग कर लेते हैं, और हमें फिर उस समय पर सिग्नल मिल जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। तो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का जो मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म पर निर्भर करता है। हम ये भी जानते हैं कि मॉड्यूलेशन थ्री टाइप का होता है, एक हमारा होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन पर मैं डिस्कशन दूंगा आगे, तब मैं और फर्दर चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें ये पता चल रहा है कि देर इज लॉट ऑफ यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। तो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन डे टू डे लाइफ, और लगातार हमारी यूज चल रही है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे पास हम देख रहे हैं, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं वो लगातार हमारे जीवन को बेहतर कर रही हैं। तो हमें इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने हमारे जीवन को बहुत गहराइयों तक परिवर्तित किया है, और जो हमारे पास जो हम मोबाइल यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक उनके अंदर भी चिप्स लगे होते हैं, और सारे जो चिप्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच से ही डेवलप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, इसलिए हमें इस इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करनी चाहिए। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं आइडिया दे रहा था इस लेक्चर में, आगे मैं डिस्कस करता रहूँगा वन बाई वन टॉपिक्स, पहले रेक्टिफिकेशन एम्पलीफिकेशन और बाकी की चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा और आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये लेक्चर्स मेरा खास तौर से आपका
इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट्स में था और स्टूडेंट्स के लिए इसलिए था कि स्टूडेंट्स जाने के इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या इसके हम यूजेज उठा रहे हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और आगे मैं कुछ वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपलोड करता रहूँगा। आपके कमेंटों का वेट करूँगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी वीडियो मेरी तरफ से गांव के उन बच्चों को समर्पित हैं जो गाइडेंस के अभाव में जीते हैं, उन बच्चों को समर्पित हैं जो कस्बों और शहरों में हैं लेकिन मॉनिटरी स्थितियाँ जिनकी अच्छी नहीं होती, जिनके पास कंटेंट नहीं होता, जिन्हें दिशाएँ नहीं होती, उसी के लिए मैं प्रयास करता हूँ। तो मेरे इस मिशन में सहयोग करते रहें और इसके कंटेंट को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें बच्चों से, जिससे कि इस चैनल का लाभ और मेरी मेहनत का लाभ सब बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़।